नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। आज हम रथाकार शिल्प शास्त्र के बारे में जानेंगे। चार चक्रों के ऊपर स्थित इस रथ पे आप सबसे ऊपर सहस्रार चक्र को देखेंगे। उसके नीचे का भाग है हमारे भ्रूमध्य का भाग, आज्ञा चक्र। उसके नीचे का भाग है विशुद्धि चक्र। उसके नीचे का भाग है अनाहत चक्र, जो हृदय भाग में आता है। अनाहत चक्र में ही उत्सव मूर्ति को बिठा के पूरा गांव घुमाया जाता है। ये भाग है मणिपुर का चक्र। मणिपुर का चक्र के नीचे आता है स्वाधिष्ठान चक्र। चार चक्रों के ऊपर जो चौकोना भाग है, स्क्वायर भाग है, वो ऊपर जाते जाते एक्टागन आकृति में बनता है। यह आकृति ही स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है। सबसे नीचे का जो भाग है वो है मूलाधार चक्र। इस मूलाधार चक्र पे आप शरभा, जिसे सिंह से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, उसे बनाया हुआ पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान के लिए और महाभारत के समय से जो रथ बनाते आ रहे हैं, अभी उनके वंश के केवल एक या दो ही कुटुंब बच गए हैं। आज हम एक रथाकार शिल्पी के कुटुंब को मिलने जा रहे हैं। इन रथाकार शिल्पी के फैक्ट्री में आपको हर जगह केवल शुद्ध कला, मेहनत, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन ही दिखाई देगा। इनका मानना है कि ये कला सीखने से नहीं, लेकिन कला के साथ बड़े होने से आता है। ये सभी लोग बचपन से ही इस कला को सीखते और आजमाते आए हैं। ये कला इनके शरीर के कण कण में है। हमें जो नजर आ रहे हैं, ये सभी मृत वृक्षों से बने हुए हैं। क्योंकि ये रथ संपूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हमें रथ बनने का प्रक्रिया नजर आ रहा है। ऊपर एक सुंदर डोली भी बनी हुई है। इनके घर में इन्होंने इतनी सुंदर और सरल तरह से ये मंदिर बनाया है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम बुलाया जाता है, क्योंकि ये गाय के सींग के आकृति में होता है, गौ के सींग के आकृति में होता है, इसीलिए इसे गोपुरम बुलाया जाता है। है ना आश्चर्य की बात? किसी भी कलाकार के घर पे हर चीज में कला नजर आता है। इन्होंने हमें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया। आइए देखते हैं इनका नॉर्थ कर्नाटका स्टाइल रोटी कैसे बनता है। इसे जोलद रोटी बुलाया जाता है। ये जवार के आटे से बनता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे हाथ से बनाया जाता है और इसे बनाना ही खुद में एक कला है। This is an exclusive North Karnataka style of Puran Poli. This is made out of millet. This millet is called fox tail millet. Fox का tail का जैसे रहते इसका growth. कन्नड़ में नवणा बोलते, नवणे। मराठी और गुजराती में कांग बोलते। ये विदाउट मैक्सिमम वाटर, विद लेस वाटर दिस ग्रोथ विल हैपेंस। शुगर, बीपी और बहुत डिजीजेस, इवन द कैंसर कैन बी क्यूर्ड बाय यूजिंग दिस फूड ग्रेन्स। यू विल नॉट गेट एनी हेल्थ इश्यूज बाय ईटिंग दिस ग्रेन। दिस पीपल डोंट नो बट दे आर यूजिंग दिस। That's why these people are very healthy. अमृत है, अमृत। ये शिल्पी का फैमिली है। ये घर का ईटा ये आदमी हाथ से बांधा है, मेहनत से बांधा, पैसा से नहीं बांधा, हाथ से बांधा। ये घर में तीन बेटा है, तीन बहू है, सास है, सब इकट्ठा होके एक ही साथ में जी रहा है। ये शतमान का एक एग्जाम्पल है। इतना सुंदर फैमिली है। इधर
हैप्पीनेस के अलावा कुछ नहीं है। ये देखो खाना कितना अच्छा है, लोका सिस्टम। ये बैंगन का पूरा नॉर्थ कर्नाटका स्टाइल है। देखो ये पूरी स्वीट कितना सुंदर है। इस बड़े रथ को बनाने के लिए इन्होंने एक पूरा वर्ष लिया। इस रथ में आपको एक से एक बारीकी नजर आएगी। कोई भी दो शिल्पकला एक तरह नहीं है। इस रथ की और एक खासियत यह है कि अगर दूसरे सभी रथ चार पहियों पे, चार चक्रों पे खड़े होते हैं, तो ये रथ छह चक्रों पे चलता है, छह पहियों पे चलता है, चार बाहर की ओर और दो चक्र बिना किसी के नज़र में आए बीचों बीच चलते रहते हैं। ये जो रथ है वो एक कूर्म के ऊपर स्थित है, ऐसा दिखाया गया है। कूर्म यानी कछुआ। एक तरफ आपको कछुए का पूंछ नजर आएगा, दूसरे तरफ उसका सर और आजू बाजू इसके हाथ और पैर। बहुत सुंदर तरह से बनाया है। इन शिल्पकार को नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।